नमस्कार। अक्सर स्टूडेंट्स एक सवाल पूछते हैं कि सर, याद रखने के लिए किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा, अगर आप अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाइए। जब भी आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते समय बहुत से डिस्ट्रक्शंस, बहुत से प्रॉब्लम्स आपको दिमाग में आती होंगी, इधर से उधर से, यहाँ वहाँ। आप बैठे हैं, आपका फ़ोन बीच में नोटिफिकेशन आता है, कुछ होता है, थोड़ा सा ध्यान भटकता है, फिर थोड़ा सा हम इधर देखते हैं, थोड़ा सा उधर देखते हैं। जितनी बार आपके पढ़ाई के सेशन के दरमियान आपका ध्यान छोटी बड़ी, चाहे कितनी भी छोटी बड़ी चीज़ों में इधर उधर जाता है, उतना आपकी जो इंटेंसिटी है, जो आपकी, जिसको हम डीप कंसंट्रेशन कहते हैं, वो आपकी डिस्टर्ब होती है। जितनी बार वो डिस्टर्ब होती है, आपकी जो सीखने की जो जो संभावना है, जो परफॉर्मेंस है, वो लगातार डाउन चली जाती है। तो जब भी हम पढ़ाई करें, हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाई करते समय जितने तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जितने तरह के डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, उन सबको वी नीड टू कीप असाइड। हर बार जब आप, लेट्स से कुछ हुआ, नोटिफिकेशन है, आपने अपने फ़ोन को देखा, उसको पढ़ा, नोटिफिकेशन को रखा, वापस आप पढ़ने लग गए, आपको लगता है एवरीथिंग गोज फाइन, कुछ दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हुई, जो नई चीज़ आपने दिमाग में डाली फ़ोन से, वो नई चीज़ जो है, जब वापस आप स्विच करते हैं, तो एक अटेंशन रेजिड्यू, जिसको कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, कॉग्निटिव साइंस की भाषा में, वो भीतर रह जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा जो है, वो भीतर रह जाता है। तो ये जो अनडिवाइडेड अटेंशन है, ये चाहिए होती है अगर आप डीप लर्निंग में जाना चाहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो बेहतर बना देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट बनूं, तो क्या करना पड़ेगा? हर तरह के व्यवधान को, हर तरह के जो डिस्ट्रक्शंस हैं, उनको आपको हटाना पड़ेगा। और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते समय आप अपने जितने जो सेंसेस हैं, उनको पढ़ाई की प्रक्रिया में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। इन्वॉल्व, लाइक आप पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं, देख रहे हैं तो जो आप देख रहे हैं उसे बोल बोल के पढ़ें। तो जब आप देख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, दो, देर आर टू मोर सेंसेस इन्वॉल्व। आप सुन भी रहे हैं उसी बात को, मोर सेंसेस आर इन्वॉल्व। आप उसी बारे में थोड़ा और डीपली जो है वो कल्पना करके देखिए, अच्छा ये ऐसे होगा तो कैसे होगा, ये क्या होगा। यू आर अगेन गेटिंग मोर इमर्ज्ड इनटू दैट, अगेन गेटिंग मोर इन्वॉल्व इनटू दैट। तो वही चीज सोच रहे हैं, वही चीज आप जो है देख रहे हैं, वही चीज आप सुन रहे हैं, वही चीज के बारे में आप जो है प्रश्न अपने आप से पूछ रहे हैं, वही जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लगा, उसको आपने नोट्स बनाए, उसके आपने डायग्राम्स बनाए, अच्छा ये दीज कॉन्सेप्ट आर हाउ रिलेटेड टू ईच अदर। सो द मोर यू इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस, द बेटर विल बी द रिजल्ट। जब भी पढ़ाई करते हैं, हाँ ठीक है, पढ़ लिया, कर लिया, दैट विल नॉट स्टे एंड दैट विल नॉट स्टिक इन योर माइंड। बी केयरफुल, जो इंटेंसिटी है, जो आपकी डीप कंसंट्रेशन है, दैट इज द फॉर्मूला। और डीप कंसंट्रेशन कब आएगा? जब आपके ज्यादा से ज्यादा सेंसेस जो हैं वो पढ़ाई की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होंगे। टेक केयर, सीखिए, आगे पढ़िए और दूसरों को सीखने में मदद करिए। गॉड ब्लेस यू।